डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अब हम पढ़ रहे हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं. तो इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये आपको टॉपिक कैसे पढ़ाने लग गई. तो जैसे कि मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस इससे पहले वीडियोज में पढ़ाए हैं, तो बच्चों ने प्रश्न किया ये किस प्रकार से सेंटेंसेस हम पहचानेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता. तो मैंने उनको समझाया कि जिन सेंटेंसेस में ट्रांसिटिव वर्ब्स दिए होते हैं कि उनका ही पैसिव बनता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनता है. तो आइए समझते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं. अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब. एक वह क्रिया जिसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो वह है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहलाती है. एग्जाम्पल समझ लें, My sister gifted me a football. और अगर हमको ये आप जब हम इस किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसे जानेंगे? अगर हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे व्हाट माय सिस्टर गिफ्टेड, व्हाट क्या क्या गिफ्ट किया मेरी सिस्टर ने, तो आंसर आ रहा अ फुटबॉल. तो इस सेंटेंस में आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल है. फिर इसमें देखिए एक और भी ऑब्जेक्ट दिया गया है. अगर हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे हुम, तो माय सिस्टर गिफ्टेड हुम, किसको गिफ्ट किया अर्थात मी, मुझे. तो ये इस सेंटेंस में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रोनाउंस के ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जितने भी नाउन वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. चलिए अब चलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स की तरफ. अब इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब्स अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. वे क्रियाएं जो कि इन्हें अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्रियाएं हमारे इंट्रांसिटिव अर्थात अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं. एग्जाम्पल समझ लें, माई ब्रदर ऑलवेज क्राइज, मेरा भाई हमेशा रोता है. तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही क्राई वर्ब को ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता है. आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से. नाउ फाइंड आउट द ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. ये मैंने दिया है. तो जीविसा हैज रिटन अ न्यू नॉवल. तो जीविसा हैज रिटन व्हाट अ न्यू नॉवल. तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल गया अर्थात आपकी रिटन है वो आपकी कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है. ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, ही लेफ्ट. तो लेफ्ट इसमें आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो ये आपकी कैसी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है. इसके बाद में सी बीट मी विद अ स्टिक, तो ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब जरूर है लेकिन आपका इसमें ऑब्जेक्ट केवल इमी है, स्टिक नहीं है. और इसका ही ब्राइब्ड द एजेंट फॉर अ जॉब, तो ब्राइब्ड, तो यहाँ पर भी ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है. और इसके बाद आई एट एज क्विकली एज आई कुड. इस सेंटेंस में कोई भी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है अर्थात कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव है. और द चाइल्ड ब्रोक द वास, तो इस सेंटेंस में आपकी ट्रांसिटिव वर्ब दी गई है, ट्रांसिटिव द वास आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस ब्रोक वर्ब जो है इसका ऑब्जेक्ट द वास है. इस प्रकार से स्टूडेंट जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, गुड बाय.